फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली पिछले 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं। आखिरी बार नवंबर 2019 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट मुकाबले में शतक जड़ा था और तब से उनका जो फॉर्म है वो भी खास नहीं रहा है और उनकी जो औसत है अपनी करियर एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज चल रही है। मिचेल स्टार्क जो कि एक सीनियर गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने गुरुवार को एशेज टेस्ट सीरीज के एक मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 34 रन बनाए। अब इस पारी को सेलिब्रेट करते हुए ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने क्या कर दिया है वो हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने कोहली से तुलना की है मिचेल स्टार्क की और उनकी एवरेज का जो है मजाक उड़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया देखिए जानते ही हम कि वो ये सब करने में माहिर हैं, फिर चाहे उनके खिलाड़ी स्लेजिंग करने में हो या फिर उनके जो ऑस्ट्रेलिया मीडिया हो वो तमाम और टीम्स को ट्रोल करने में माहिर है। लेकिन अगर उनके पास उनकी मीडिया है तो भारत के पास वसीम जाफर हैं जो अकेले काफ़ी हैं। वसीम जाफर ने भी शानदार जवाब दिया है ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के चैनल 7 ने एक पोस्ट ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कोहली के 2019 से लेकर अब तक के आंकड़े ट्वीट किए। इस दौरान कोहली का टेस्ट औसत 37.17 का रहा। इस ट्वीट में चैनल ने ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाज मिचेल स्टार्क के आंकड़े भी ट्वीट किए और बताया कि 2019 से स्टार्क का औसत कोहली से ज्यादा का है और ये 38.63 का है। चैनल ने साथ में इन दोनों की फोटो ट्वीट की। चैनल 7 ने इसके साथ लिखा, दिन के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े। ऑस्ट्रेलिया मीडिया की बात पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इसका करारा जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, नवदीप सैनी का वनडे करियर का औसत 53.50 का है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का सिर्फ 43.34 का। अब इसके बाद फैंस जाफर के पक्ष में उतर आए और वाकई में नवदीप सैनी की जो मौजूदा एवरेज है वो स्टीव स्मिथ की ज़्यादा है। अगर वनडे इंटरनेशनल्स की बात करें तो स्टीव स्मिथ की कम हो गई है एवरेज नवदीप सैनी से। सैनी की बात करें तो उन्होंने अभी तक 5 वनडे मुकाबले खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और उन्होंने 107 रन बनाए हैं। इस दौरान सैनी का सर्वोच्च स्कोर यानी कि बेस्ट स्कोर 45 रन है जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। सैनी 3 बार नॉट आउट भी रहे। वनडे में उनका स्ट्राइक रेट 80 का है। वहीं स्मिथ ने अपने करियर में 128 वनडे मुकाबले खेले हैं और 4300 से ज्यादा रन बनाए हैं। भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान विराट कोहली का साल 2021 काफी खराब रहा। वो इस साल में कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने 11 मैचों में 536 रन बनाए हैं जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं, लेकिन उन्होंने एक भी शतक नहीं लगाया। इस दौरान उनका औसत 28.21 का रहा। वहीं उनका करियर औसत देखा जाए तो ये 50 से ज्यादा का रहा है। बता दें, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में खेली अंतिम दोनों टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की। पिछले साल टीम ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से शानदार जीत हासिल की। शायद यही किरकिरी अभी तक ऑस्ट्रेलिया वालों को सता रही है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।